अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ आटे के बिस्कुट। तो आइए मैं बताती हूँ कि आटों के बिस्कुट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है। तो मैंने एक प्लेट में रखा हुआ है सारा सामान। सूजी है एक कटोरी, चीनी है एक कटोरी, मेवे हैं काजू और बादाम को हमने काट के रखा है, आटा एक कटोरी है, घी है और एक कप दूध है। इन सबको मिलाकर ही हम आटे के बिस्कुट बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम होते हैं। बाजार से आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं। आटा को हम डाल लिए, इस पे हमने सूजी भी डाली, जो मेवे काटे हमने वो भी डाल लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे और दूध में शक्कर डाल के को घोर लेंगे। अब हम घी डालेंगे और इसको मोहन करेंगे। ये सब कुछ मिक्स हो गया है और अब ये बहुत अच्छे से बनने लगा है, तो मतलब मोहन बहुत अच्छे से तैयार है। अब जो दूध और शक्कर हमने घोला है, उससे हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटे को मुलायम आटा सानेंगे। ये देखिए आटा बिल्कुल गूंथ गया है बिस्किट बनाने के लिए। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी चीनी डालेंगे, बस एक चम्मच या दो चम्मच हम चीनी डालेंगे, जिससे कि ये देखने में और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम छोटे छोटे लोई लेकर के और बिस्किट बनाएंगे, और ये बिस्किट थोड़े मोटे रहते हैं, तो इसमें आपको अगर कोई भी डिजाइन बनाना है तो आप डिजाइन बना सकते हैं, आप इससे ऐसी डिजाइन भी बना सकते हैं, पर ध्यान रखें कि थोड़ा मोटा ही रखें। डिजाइन तो आप अपनी मन पसंद बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, आपके पास जो भी चीजें हों। तेल गरम हो गया है, हम गैस को धीमा कर देंगे, और ध्यान रखें पहले तेल को काफी गरम करके ही बिस्किट को डालें और फिर गैस को धीमा कर दें। अब ये पूरी तरह से तैयार है, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये लीजिए, मजेदार और टेस्टी बिस्किट घर में आपके तैयार हो गए।